हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से विक्की कौशल की मच अवेटेड फिल्म सैम बहादुर को लेकर, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ पर, जो कि बायोपिक है इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। और बात करें फिल्म को लेकर तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट बन चुकी है और बहुत जल्दी फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। अगर ऐसे में बात की जाए फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट है सिर्फ 55 करोड़ रुपये, जो कि इस फिल्म ने पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। स्टार्टिंग में लग रहा था कि फिल्म फ्लॉप हो सकती है, लेकिन सेकंड वीक में जो जंप हमें देखने को मिला वो पूरी तरह से अनइमेजिनेबल था। और अगर बात करें फिल्म के आज के कलेक्शन की कि ये फिल्म आज अपने 18वें दिन कितना कलेक्शन कर रही है, तो आपको जानकर हैरानी होगी। ये फिल्म आज 1 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन कर रही है इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कलेक्शन है। अब ऐसे में बात करूँ मैं फिल्म के टोटल कलेक्शन की, तो फिल्म ने आज 18 दिनों के अंदर अंदर टोटल कलेक्शन कर लिया है अभी तक 77 करोड़ 70 लाख प्लस 18 दिनों के अंदर। वहीं पर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी है। तो ऐसे में आप लोगों ने सैम बहादुर देखी तो आपको ये फिल्म हिट लगी या ब्लॉकबस्टर, आपकी राय कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो वहीं बताना चाहूँगा इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 22 करोड़ का प्रॉफिट किया है और ये फिल्म हिट के लिए ट्रेंड कर रही थी कुछ वक्त पहले तक, तो अभी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर के लिए ट्रेंड कर रही है। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।